प्रोडक्ट को यूज करना है, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, बार बार प्रोडक्ट ही सब कुछ है। तो 100% प्रोडक्ट को यूज करना है, ये हम सभी जान रहे हैं, कई बार इसे बोले, ठीक है। अटेंड कंपनी सेमिनार विद टीम एंड जो भी आपके गेस्ट हैं, ऑलमोस्ट इसके बारे में भी बात हो चुकी है कि जो 6-4 उसमें है, क्योंकि हमने भी कई लोगों को इन्वाइट कर करके लाया है, अदरवाइज मैं इस पर भी ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। अटेंड कंपनी हो गया अपने अपडेट हमको क्या एवरी डे विद कंपनी, कंपनी को कंपनी के साथ में हमको जो अपडेट जो है हमेशा रहना, एवरी डे रहना, पर डे, प्रतिदिन, रोज। सपोज मानिए कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर जॉब में है या कोई बिजनेस में है, तो जो उनका टाइम होता है उस टाइम के हिसाब से अपने शॉप में जाते हैं, शॉप ऊपर उसका शटर खोलते हैं या जो भी है, उसके बाद में वहाँ पर डे कम से कम बैठते हैं, 10-12 घंटे टाइम देते हैं। एक जॉब वाला व्यक्ति भी वही करता, तो यहाँ हम अगर अपने टाइम को निकाल लें कि हमें एटोमी के लिए 2-3 घंटे या जो भी हम निकाल सकते हैं इस व्यवसाय के लिए, तो उसको कंटिन्यू करना है, समझ लीजिए कि ये भी हमारा एक काम है, ठीक है। और कंपनी के जो भी अपडेट्स हैं उसको तभी हम जानकारी ले पाएंगे, अदरवाइज बहुत सारी बातें इसमें हुई है, ठीक है। शेयर एटलीस्ट 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सेम चीजें हैं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पास, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड टू कंज्यूमर एवरी डे, पहले भी इसके बारे में बात हमने की है चर्चा, ठीक है, वही चीज है यहाँ भी है। 6-4 एक्शन, कि अगर हम देखा जाए तो जो सच का सामने है ना, उसको अगर हम ईमानदारी से फुलफिल करते हैं तो ये उसमें आ जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज रीड रिकमेंडेड बुक, वही चीज आ गया आपको 30 मिनट कम से कम वही बुक पढ़ने, वीडियो देखने, है ना, लोगों के साथ में मतलब एक अच्छा कम्युनिकेशन होने के बाद, वो तो अलग हुआ, ये घर में करना है, यानी 2 घंटे के बाद वाला है ये, वो 2 घंटे में इसको इंक्लूड मत कीजिएगा, 30 मिनट हमने वीडियो देख लिया और 30 मिनट हमने बुक पढ़ ली तो हमारा काम ये हो गया, वो तो फील्ड में कर रहे हैं आप, 2 घंटे जो भी आप दे रहे हैं उसको देने के बाद में उसको उसमें अलग से इसमें करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक हम उसको कुछ पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जब हम काम करते हैं थक जाते हैं तो अपने शरीर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ डालते हैं इसमें, ठीक है। जब हम उसमें डालते हैं तो फिर हमको ऊर्जा मिलती है, फिर हम काम करते हैं, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ थकने के बाद डालना है। वो कहाँ से मिलेगा? बुक से मिलेगा। बुक को जब हम अपना दोस्त बना देंगे तो उससे बढ़िया कोई दोस्त नहीं है, उसको ना तो जब चाहे तब उसको उठा लिए, ना तो उसको ये 2 बजता है रात, ना 4 बजता है, ना 6 बजता है, ना 8 बजता है ना, उसको जब चाहे आप उसको रीड कर सकते हैं, जब चाहे हम वीडियो देख सकते हैं उसमें, वो नहीं थकेगा। तो वो जब भी आपको टाइम मिलता है तो ये बहुत जरूरी है, कम से कम 30 मिनट अपने आप को क्रिएट करने के लिए उसमें समय को देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अब देखिए हम ये 4 बिजनेस वैल्यू की बात करेंगे, इसमें थोड़ी सी हम बात करेंगे। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नेवर टॉक निगेटिव अबाउट योर अपलाइन कंपनी और डाउनलाइन इन फ्रंट और एनीवन। अब इसका मतलब सीधा होता है कि हमें किसी से भी नेगेटिव थॉट में अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन जिसको हम तो डेप्ट बोलते हैं, डेप्ट में, डेप्ट लाइन के बारे में, क्रॉस लाइन के बारे में, इवन कि जो हमारे टीम में नहीं है क्रॉस लाइन उन्हीं को बोल रहे हैं, वो तो छोड़िए, बिजनेस से जो बाहर में है, सपोज मानिए कोई पान ठेला वाला भी हमारे व्यवसाय में नहीं आया, तो हम उसके बारे में भी कुछ नेगेटिव बातें ना करें, क्योंकि होता क्या है, योर हैबिट देन योर फ्यूचर देन योर हैबिट, जैसा हमारा आदत होगा वैसा हमारा फ्यूचर होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ भी मतलब होता है, जनरली ह्यूमन नेचर है, थोड़ा बहुत तो होता ही है ना, लेकिन हमको उसको धीरे धीरे डायरेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन जब हम उसको अपनी प्रैक्टिस में लेंगे, वो करत अभ्यास कर पढ़े थे ना कभी क्लास 5-6 में, हमारे टाइम में तो था पता नहीं, आप लोग यंग हैं तो आप लोगों के टाइम में था नहीं था, जड़मत होत सुजान रस यावत जात पे सिर पर पड़ा निशान। तो हमको क्या करना है, यहाँ पास अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट करना है, डेप्ट वालों जो भी हमारे डेप्ट में है उनको रिस्पेक्ट करना है, हमारे जो भी लाइन ऑफ स्पॉन्सर हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि हम भी किसी के अपलाइन हैं, मानते हैं। मैंने जैसा कि पहले ही बोला था इसके पहले के सेशन में, कि जिस प्रकार से हम इस सिस्टम को बिलीव करना है, तो इस बिजनेस में जो भी हमें स्पॉन्सर किया है या जिनके मार्फत में भी हुए हैं, तो हमारे वो क्या है, अपलाइन है। अब उसमें कई ऐसे अपलाइन हो सकते हैं, मेरे ग्रुप में कई ऐसे बंदे हैं जो हमसे काफी एक्टिव हैं, लेकिन हमारे पास में डुप्लीकेशन का सिस्टम यही है कि मतलब एक दूसरे को रिस्पेक्ट यू रिस्पेक्ट मी, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें,
और हम सभी चाहते हैं ना कि डेब्ट वाला हम सभी बेहतर हो, ठीक है। अपलैंड को हम जब रिस्पेक्ट करेंगे तो डुप्लीकेशन भी वैसे ही जाएगा, क्योंकि आप भी किसी ना किसी के अपलाइन है, हम सभी किसी ना किसी के अपलाइन है। तो हमें ये चीजें, ये हैबिट करना है, क्योंकि देखिए ये लगता है कि अगर हम अपने अपलाइन के बारे में या अपने डाउन लाइन के बारे में या अपने क्रॉस लाइन के बारे में या किसी के भी बारे में अगर हम मार्केट में निगेटिव बातें फैलाते हैं तो वो शायद जिनके बारे में बोलते हैं उनको पता नहीं चलता है। ऐसा किसको लगता है? हमें लगता है, हमको लगता है ना, राइट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी निगेटिव चीज है ना मार्केट में बहुत जल्दी फ्लो हो जाती है, बहुत तेजी से वो ग्रो करता है। लेकिन अगर एक अच्छी बात को करें, पॉजिटिव बातों को अगर करें तो बहुत स्लो चलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग निगेटिव बातों पर ज्यादा रिएक्ट करते हैं, उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। सबसे मजे की बात तो यह है ना, ये ह्यूमन नेचर है, उसमें ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेता है। पता नहीं क्या मिलता है उनको। आप अच्छी बात सिखाओ कोई नहीं है, किसी को गाली तो 10 लोग खड़ा हो जाएगा। तो हमें कोशिश करना है, क्योंकि हम लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखेंगे, क्या हम लाइफ में लोगों को चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्या? हम लोगों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन खुद को चेंज कर सकते हैं। और खुद को चेंज करना बहुत ही है, सिंपल है। हम कम से कम अपने बारे में लिखें कि हम में 10 ऐसी अच्छी बातें क्या है। सभी में है, कुछ ना कुछ तो होगा, 10 तो एटलीस्ट लिख ही सकते हैं। फिर लिखें कि हमारे लाइफ में 10 ऐसी कौन सी बुरी आदतें हैं। हाँ, एक साथ नहीं हो सकता, ह्यूमन नेचर है। लेकिन अगर हम उसको, अगर हम बुरी आदतों को धीरे 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 अगर हम अपनी लाइफ से उसको, है ना, जैसा गंगी सर बताया था, ठीक है, वो हुआ था ना। तो एक बार जब माइंडसेट हो जाएगा कि रियली में हमें करना क्या है, तो हमें खुद को बदलने की जरूरत है। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन जब हम खुद को बदलेंगे तो दुनिया भी बदलेगी, ठीक है। तो हमें कभी भी भूल करके लिए ध्यान देना है कि हमारे चाहे ऑफलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, उनके बारे में निगेटिव बातें ना बोलें। व्यवसाय के बारे में निगेटिव बातें ना बोलें, एटॉमिक का प्रोडक्ट, एटॉमिक के बारे में, क्योंकि देखिए अगर हम वहां पर निगेटिव बातें बोलते हैं तो कहीं ना कहीं तो हम उसी व्यवसाय में है ना, कुछ दूसरा तो नहीं कर रहे। आज हम बोल रहे हैं किसी को भी क्या, कुछ भी निगेटिव हम बोले, कल आप उसी को पॉजिटिव चीजें बता रहे, बहुत अच्छा ऐसा हो जाता, बोलेगा मैडम कल तो आप ऐसे बोल रहे थे, बात का हो गया सर। मैंने क्या बोला, निगेटिव बातों को लोग याद रखते हैं, पॉजिटिव बातों को जल्दी याद नहीं रखते। कोशिश हमें करना है कि हम मार्केट में कहीं भी किसी से भी, जो भी हमारे अपलाइन हुए, जो भी हमारे लाइनों को स्पॉन्सर हुए, हो सकता है कि आपका लाइनों को स्पॉन्सर 18 साल का भी हो सकता है, हो सकता है या नहीं, यस या नो, हो सकता है। हमारा व्यवसाय ऐसा है, हमारा बिजनेस ऐसा है, कोई जरूरी नहीं कि उसके लिए 55 साल का हो, 60 साल का हो, 80 साल का हो, 35 साल का हो, ऐसा कहीं एज का तो कुछ है नहीं, कोई मायने नहीं रखता। व्यवसाय में सक्सेस होने के लिए और इस व्यवसाय को ज्वाइन करने के लिए कहीं इसके मतलब, ये आप जब ऑनलाइन किसी का फॉर्म को फिलअप करते हैं उसमें लिखा है कि आपका ये जितना से इतना होना चाहिए, कहीं नहीं दिया। किसी भी एज का हो सकता है कि कोई 18 साल का बच्चा जो अभी अभी 18 साल हुआ वो मेरा स्पॉन्सर हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है और हुआ भी है, हो सकता नहीं हुआ भी है और हो भी रहा है। तो हमें क्या करना है, हमने क्या बोला, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, तो हमको उनको रिस्पेक्ट करना है। हम भी किसी के अपलाइन है, जब तक हम हमारा व्यवहार अगर उनके साथ में उतना रिस्पेक्टफुल नहीं है, हम उनको अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे डुप्लीकेशन कैसा जा रहा है? डुप्लीकेशन क्या हो रहा है भाई, जो हम बोएंगे वही तो काटेंगे ना, कुछ और तो काटेंगे नहीं। तो हमें कोशिश ये करना है, हमारे अपलाइन हो उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनको थैंक्स कीजिए कि जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिए, जहां से आप मोर टाइम मोर मनी क्या नहीं, मतलब जो भी आपके ड्रीम है, डिजायर है, जो भी आप चाहते हैं लाइफ में वो आराम से अचीव कर सकते हैं। तो इस व्यवसाय को देखिए कि ये है क्या,
ये चूंकि पहले ही हम सभी का वाई जो है बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो चुका है, वाई एटोमिक, डॉक्टर सर ने भी मॉर्निंग में क्लियर किया था, तो हमें निगेटिव बातें बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि इसके पहले भी मैंने बोला कि जब हम किसी भी चीज को करीब 66 डे अगर हम उसको प्रैक्टिस में लेते हैं अपनी लाइफ में, तो होता क्या है ना, वो आदत हो जाती है, हैबिट हो जाता है। और कोई भी हैबिट अगर एक बार बन गई तो सोचिए कि उसको निकालने में काफी समय लगता है, निकलता है, ऐसा नहीं कि नहीं निकलता है, लेकिन काफी समय हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत तकलीफें होती है। तो हमें कोशिश करनी है कभी भी गलती से भी, मतलब जो भी हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर ही नहीं, ये भी हो सकता है कि हमारे स्पॉन्सर कोई हुआ, हमने स्पॉन्सर किया वही नहीं है, इवन कि आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर भी हो सकता है। बिजनेस तो हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं, कई सारे यहाँ पर जो भी यहाँ पर इस मीटिंग हॉल में है हमारे लाइन में भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि हमारे क्रॉस लाइन भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं हमारे अपलाइन भी है, जैसे कि हमारे राठौर सर को धन्यवाद दूंगा, वो हमारे स्पॉन्सर है। तो हमें रिस्पेक्ट करना है क्योंकि ये हमारा सिस्टम सिखलाता है, सिस्टम हमारा ये बोलता है रिस्पेक्ट यू रिस्पेक्ट मी, क्योंकि हम भी किसी न किसी के अपलाइन है। तो हमें कोशिश करना है क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे, तो ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये बिजनेस में अगर हमें सक्सेस होना है, अगर ये चीजें हमारे पास है, ये चीज अगर मैंने अपनी लाइफ में सीख ली, तो उसमें आपके करीब करीब जो है और भी चीजें कवर हो जाएगा, इसके पहले का जो भी पार्ट है ये पार्ट भी उसमें कवर होगा। ये बहुत ही जरूरी चीज है। और इससे फायदा क्या होता है ना कि जब हम नेगेटिव चीजें जब बंद करते हैं अपनी लाइफ में ना, तो हमारा हमको उससे बहुत सारे फायदे भी होते हैं, व्यवसाय की ही बात नहीं है और भी ऐसे रियल लाइफ में भी फायदे होते हैं। यस या नो मैडम, सही बोल रहा हूँ मैं? तो खुद को अच्छा लगता है ना अगर हम अच्छी बातें करते हैं, लोगों से अच्छे से मिलते हैं, बिल्कुल एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगने लगता है। तो फिर हम इतने अच्छे व्यवसाय में हैं, तो फिर यहाँ पास हम ये चीजों को बहुत एकदम बारीकी से ध्यान देना है। क्योंकि अगर यहाँ पास अगर हम शायद अपने अपलाइन को या अपने डेप्थ में जो भी हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर हैं किन्हीं को अगर या अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो हमारा भी वही परिणाम होगा जैसा कि हम बोले हैं। ठीक है, नेवर प्ले विथ योर ईगो। आहा है ना, एक गजब का पॉइंट है, नेवर प्ले विथ योर ईगो एंड नेवर प्ले विथ योर मनी। अच्छा बताइए, ईगो लेकर के कोई बहुत बड़ा तीर मारा है क्या? मारा है क्या? तो हमें हम्बल बन जाना है ना। अब सपोज मानिए कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि छोटी छोटी चीजों को अगर हम ईगो में लेंगे अपनी लाइफ में, तो देखिए उससे दो मुझे नहीं पता फायदा क्या होता है, लेकिन नुकसान तो होता है, नुकसान होता है। सपोज मानिए कि अगर आप किसी के साथ में अगर ईगो प्रॉब्लम है, तो कभी कुछ ऐसा लगता है ना, अगर हम किसी को कुछ बोल दिए ईगो में या कुछ ऐसा है, तो उस हमारे साथ होता है, बाकी मैं नहीं जानता किनके साथ क्या होता है, लेकिन मैं खुद की बता रहा हूँ कि मतलब एक ऐसे छोटी सी कहानी शेयर करूंगा। हमारी मैडम का तबीयत खराब हुआ, मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी थी और मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो बंदा मिल नहीं रहा है, सच्ची घटना है। और उनका बीपी थोड़ा सा अप हो गया था, अब उसको मैं ढूंढ रहा हूँ, चूंकि लोग सब्जी वाले थे बगल में, उसका चाचा सब्जी बेच रहा, लेकिन हमको उसका नंबर नहीं बता रहा, मुझे अपनी कार निकालनी थी, उसको हॉस्पिटल ले जाना था। और मुझे गुस्सा इतना आया कि लास्ट में मैंने वो आया तो उसको मैंने थोड़ा सा, ये मेरी गलती थी, यकीन मानेंगे एक सप्ताह के बाद हमारे मार्केट लगता है चिंगरी में, वो बंदा से एक सप्ताह तक जब तक मैं मिला नहीं, एक रात मतलब मैं ठीक से सो नहीं पाया, तिल तिल करके मरा हूं मैं। तो गुस्सा कितना खराब चीज है, लेकिन वहां पर मैं क्या कोई भी होता तो शायद गुस्सा करता, ये मेरे साथ हुआ है, तो यह ऐसा गुस्सा करने से क्या फायदा। उस समय मैंने रियलाइज किया, मैंने अपनी डायरी में उसको नोट किया कि लाइफ में ऐसे भी पॉइंट्स आते हैं। अब वो तो बेचारा ड्राइवर था, उसको उसके चाचा था, अच्छा उसके पर गुस्सा नहीं निकला है, वो मेरे को बोला अंकल जी मैं तो वहां था, लेकिन ये सामने में जो बेच रहा है ना सब्जी, वो तो मेरा चाचा है, मैंने उसका सब्जी उठा के वही मतलब ये बगल से छोटी सी नाली थी उसमें मैंने फेंक दिया। ये मेरी जिंदगी का फर्स्ट इन लास्ट गलती था, ये रिसेंटली अभी मेरे साथ में करीब 2 साल पहले भी था। और यकीन मानिए वहां से तो मैं लेके चल दिया अपनी वाइफ हॉस्पिटल में, वहां पर जो भी मतलब उनके साथ में ट्रीटमेंट के बाद में हम घर में आए। अब वो हमसे बार बार पूछती है, मैं बोला यार जिंदगी में मेरे साथ ऐसा गलती नहीं हुआ है, मैंने किसी को धक्का नहीं दिया है,
और मेरे से बहुत छोटा लड़का था और वो कुछ नहीं बोला, अंकल जी करके रो दिया। एक सप्ताह बाद मिला उसको, मैं बिल्कुल यहाँ से लगाया, बहुत उसको समझाया। उसके बाद में होली का टाइम आया, उसके पूरी फैमिली को मैंने कपड़े वगैरह दिया। और उसके बाद में आज भी मैं उसको रियलाइज करता हूँ, उसके लिए मैं गेट खोल देता हूँ अपनी गाड़ी लाके मेरे घर में खड़ा कर दूँ मेरी बाउंड्री के अंदर। आज तक वो चीजों को मैं, लेकिन उसने एक शब्द नहीं बोला। अब बताइए अच्छा कौन हुआ, हम या वो? तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, राइट? तो यहां पर चीजें क्या है, नेवर प्ले विद पीपल ईगो। ईगो में हम, अरे मान लीजिए कि होता ना, अगर कर दिया वो क्या करना, ऐसा होता है। लेकिन ये भी एक मानवता है कि अगर हम किसी के साथ में कुछ गलत ऐसा किए हैं अपने ईगो से या जो भी है, तो लगता है अगर हम इंसान है तो, हम इंसान है अगर हम जिंदा तभी तो बात कर रहे हैं ना, बाकी कोई बात नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और जिसको हम अपने, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजों को हमारे सामने नहीं होता है, कहानियां कुछ अलग नहीं होती है, जितनी भी किताबें लिखी जाती है सभी कुछ अलग से नहीं है, हमारी लाइफ में घटता है उसको अगर डालेंगे। देखिए वो कहानियां सुना रहे जो रियल है। तो यहाँ पर जो है ये बहुत चीज ध्यान देना है। एक तो हमको कभी भी अपलाइन के बारे में, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, क्रॉस लाइन, जो भी आपके डेप्थ में है, जिनको भी आपने स्पॉन्सर किया है, उनके बारे में कभी भी कोई निगेटिव बातें नहीं करना है। अगर इस टॉपिक पर बात किया जाए तो कम से कम घंटों बोला जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस का, क्योंकि इस बिजनेस में वो रास्ता दिखाने वाले होते हैं, ठीक है। हम उनके बिना बिजनेस को विल नहीं कर सकते, हम भी किसी का अपलाइन है। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं, उस प्रकार आपका नेवर प्ले विद पीपल ईगो एंड नेवर प्ले विद। देखो मनी तो बहुत जरूरी है ना, कभी कभी पैसे में क्या होता है, एक एक रुपये का हिसाब रखिए, एक एक रुपये का हिसाब रखना, एक रुपये का भी हिसाब रखना। अगर आप अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में या अपने डेप्ट में या किसी को भी, अगर आपने इस व्यवसाय को लेकर के अगर आपने आदान और प्रदान, मतलब समझ रहे हैं, मतलब देना और लेना, ये चीजें को बहुत ही जरूरी हो तो बात अलग है, अदरवाइज को स्टॉप कीजिए। और अगर लिए तो होता है, सबको जरूरत पड़ता है, बट उनको टाइम पर उनको बोलना ना पड़े, राइट? यस या नो? ओके। अच्छा, रेगुलर कम्युनिकेशन विद अपलाइन एंड डाउनलाइन। अब यहां पर देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी टीम बन गई होगी, किन्हीं का 10 होगा, किन्हीं का 20 होगा, किन्हीं का 100, किन्हीं का 50, किन्हीं का तो 1000 भी है। लेकिन बताइए यहां पर सीधी सी है, रेगुलर कम्युनिकेशन विद अपलाइन एंड ऑनलाइन। आपको अपलाइन ऑनलाइन से कनेक्ट तो रहना है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अपलाइन का इंतजार करते हैं कि हमारा अपलाइन फोन करेगा तभी तो बात होगा। अरे भैया कभी कभी कर लिया करो, अपलाइन के पास में तो और भी है ना, कहां कहां करेगा। तो ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम भी अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर में, हम जरूर, चूंकि हमारे और सरकार को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया और आज जो है मैं इस स्टेज पर हूं। उनको पूछिए कि कोई भी ऐसा दिन है कि मेरी उनसे बात नहीं हुई, यहाँ पर बैठे हुए डॉक्टर सर प्लीज, होती है। आप अगर नहीं करते तो हम करते हैं ना, चाहे जितना भी बिजी हो। वो फॉर्मली कोई ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन ऐसा ही होता है कि सर क्या चल रहा है, बस हो गया। अगर बहुत बात करना तो होता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है अगर आपको बिजनेस में मतलब सक्सेस होना है तो। सांस लेते हैं तो क्यों लेते हैं, जीने के लिए ना। तो बिजनेस में अगर जिंदा रहना है तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहां से कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं डायमंड लेवल तक गया हूं, मैं आपको डायमंड जाने का सीक्रेट बताऊंगा। एसआरएम नहीं हूं, एसआरएम का सीक्रेट हमको कौन देंगे, डॉक्टर देंगे ना। तो ये जरूरी है ना, हम अपने ईगो में रहे। अगर हम अपने ईगो में रहेंगे तो ये होगा क्या, तो हमको कंसल्ट में रहना है, और उनके पास तो हमारे जैसे से कितने लोग हैं, ठीक है। तो बहुत जरूरी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हम एक बार में नहीं, धीरे धीरे करके उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है। ओके सर, नेक्स्ट क्या चीज। अच्छा वही तो ना, कंसल्ट विद अपलाइन कंपनी बिफोर। अच्छा वो तो हो गया ना, क्या कुछ भी ऐसी गलती करते हैं, अब वो पढ़ करके ही बताओ। ओके, तो वो चीजें बिल्कुल कंप्लीट है। उसके लिए आपको सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।